वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वर्ड। सबसे पहले हम लोग ग्लॉसरी सेक्शन देखते हैं, तो इसमें टेरेनियम के बारे में दिया हुआ है। टेरेनियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जिसमें हम लोग छोटे हाउस प्लांट को रख सकते हैं। तो अगर हम लोग पूरे अर्थ के सेंस में देखें तो अर्थ भी एक तरह का टेरेनियम ही है, सिर्फ ये नेचुरल है। और यहाँ पे फिर वाटर साइकिल को दिखाया गया है। The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. इसका मतलब कि जो पानी है वो जैसे जैसे चेंज होते रहता है, अपना फॉर्म को चेंज करते रहता है। पहले वो इवोपरेट होता है, फिर बादल बनता है, फिर कंडेंसेट होता है, फिर बारिश के रूप में फिर लिक्विड वाटर में आता है। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। और आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं 5.1। इसमें आप देख सकते हैं फिगर 5.2 में मेजर सी लेक और रिवर को दिखाया गया है। बेसिकली आप देख सकते हैं एशिया में कैस्पियन सी है, इधर इंडिया साइड देखें इंडियन पेनिनसुला में तो लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी, फिर राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल है और गंगा रिवर भी दर्शाया गया है। कैस्पियन सी के लेफ्ट में ब्लैक सी, उसके बाद डैन्यूबे रिवर भी है यूरोप में, उसके बाद अफ्रीका में अगर हम देखें तो नाइजर रिवर, नाइल, कॉन्गो, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर, और साउथ अमेरिका में अमेजन, नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर, और 5 ग्रेट लेक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव लेक, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन, फिर सॉल्ट लेक सिटी भी है उधर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखें तो डार्डिंग रिवर है, अफ्रीका में देखें तो साउथ में ऑरेंज रिवर है, बीच में लेक विक्टोरिया है, कॉन्गो है, नाइजर है, तो और नाइल रिवर भी है जो सबसे लंबा नदी है, और अमेजन सबसे बड़ा नदी साउथ अमेरिका में, आप ये भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको आप आराम से पहुंच करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये फैक्ट भी दिया हुआ है कि जो भी डिजॉल्व सॉल्ट होता है ओशन में और सी में, उसी से हम लोग सोडियम क्लोराइड जो कॉमन टेबल सॉल्ट होता है वो उसी से निकालते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर में जो न्यू सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सैलिनिटी ऑफ सैंड के बारे में दिया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट है। जैसे कि ओशन का एवरेज होता है 35 पार्ट पर 1000, तो यही उसका ओशन का सैलिनिटी होता है। उसके बाद अगर हम लोग डेड सी की बात करें जो इजराइल में है, तो वहाँ 340 ग्राम पर लीटर वाटर में है सी, जो कि काफी ज्यादा सैलाइन है, वो इतना डेंस है कि उसमें इंसान जल्दी डूबता ही नहीं है, हालांकि ये फैक्ट यहाँ दिया नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ओशन जो होता है वो ऑलमोस्ट पूरे वाटर का 97.3% बनाता है जो कि सलाइन वाटर है। उसके बाद फ्रेश वाटर का अगर हम लोग बात करें तो आइस कैप 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, फिर इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक 0.009%, एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वो 0.0019%, और रिवर में 0.0001%, जो कि काफी कम है। उसके बाद वाटर बिल्कुल एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और धीरे धीरे फ्रेश वाटर का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण पॉल्यूशन के कारण काफ़ी कमी हो रहा है फ्रेश वाटर का। फिर यहाँ जो इनो सेक्शन में दिया हुआ है कि 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, और वाटर कंजर्वेशन के नीड को डिफरेंट वे से रिइंफोर्स करते हैं। उसके बाद ओशन सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि ओशन में किस तरह तरह का सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे ड्यूनो सेक्शन में दिया है कि वेव्स आर फॉर्मड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। इसका मतलब कि जैसे जैसे विंड तेज चलता है तो उसके कारण बड़े बड़े लहर जो आते हैं उसे ही हम लोग वेव कहते हैं, ओशन वेव्स। और यहाँ लिखा है कि व्हेन द वाटर ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। उसके बाद अगर अर्थ को एक वोल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड जाता है तो इसे लार्ज शिफ्ट ऑफ ओशन वाटर होता है, जिसके कारण सुनामी आ जाता है। सुनामी बेसिकली एक जापानीज वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, और हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाता था इसलिए उसको सुनामी कहा गया। और लार्जेस्ट सुनामी एवर आज तक का 150 मीटर हाई तक का है, लेकिन यूजुअली ये सिर्फ 15 मीटर हाई होता है। और 2004 का सुनामी जो आया था अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट में डूब गया था, इंडियन ओशन में आया था, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इसके बारे में दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को आया था इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक के कारण, ये काफी साइड था। उसके बाद अगर हम लोग टाइड की बात करें तो रिदमिक राइज और फॉल जो होता है ओशन वाटर का ट्वाइस इन अ डे, उसी को टाइड कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में ज्वार और भाटा भी कहते हैं।
इट इज अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल. जब वाटर काफी हाई लेवल तक जाते रहता है तो वो हाई टाइड कहलाता है, और लो टाइड जब वो लोएस्ट शोर पे बिल्कुल रिसीड हो जाता है पानी और बिल्कुल कम पानी होता है तो उसे हम लोग लो टाइड कहते हैं. और ये सब होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तीनों चीज के, सन के, मून के और अर्थ के, उन दोनों के कंपैरिजन में. यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं नीप टाइड में क्या होता है कि मून और सन जो होता है वो बिल्कुल ही एक दूसरे के मतलब साइड साइड पे हो जाता है, और स्प्रिंग टाइड में क्या होता है वो या तो बिल्कुल एक लाइन में हो जाता है तीनों, सन मून और अर्थ, चाहे वो ऑपोजिट हो या फिर एक साथ हो. तो जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल भी काफी ज्यादा होगा, और मून का ग्रेविटेशनल पुल सन से तो कम होगा मगर चूंकि वो ज्यादा पास है इसलिए उसका भी काफी इफेक्ट देखने को मिलता है. तो इससे क्या होता है कि टाइड आता है अर्थ के सर्फेस पे. द वॉटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून का ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और इस कारण हाई टाइड आता है. और फुल मून के समय या फिर न्यू मून के समय सन मून और अर्थ जब एक ही लाइन में आता है तो टाइड हाईएस्ट होता है, और इन इन टाइड को स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जहाँ जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है. और जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो वाटर गेट बिल्कुल डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसमें नीप टाइड आता है जो काफी लो टाइड होता है, जैसा कि आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं. उसके बाद फिर यहाँ पे ओशन करेंट का बात हुआ है. ओशन करेंट जनरली दो टाइप का होता है, वार्म और कोल्ड. और वार्म ओशन करेंट जो होता है वो इक्वेटर के पास से निकलता है और पोल्स के तरफ जाता है, क्योंकि इक्वेटर पे जाहिर बात है काफी ज्यादा गर्मी होगी तो और ठंडा पानी गर्म के तरफ बढ़ेगा तो पोल के तरफ जाता है, तो इसी से वार्म ओशन करेंट का इजाद होता है. और कोल्ड करेंट जो होता है वो पोलर साइड से आता है, यानी कि दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से, और वो जाता है ट्रॉपिक्स के तरफ या फिर लोअर लैटिट्यूड के तरफ. फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफी डिटेल में मैप दिया हुआ है. लैब्राडोर ओशन करेंट जो है वो एक कोल्ड करेंट है, और गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करेंट है. हम लोग मैप में आगे देखेंगे. तो ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, जाहिर बात है कि वो जो ओशन करेंट होगा वो उस जगह के टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करेगा. वार्म करेंट ब्रिंग्स द वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सर्फेस, जहां पे वार्म करेंट आएगा तो वहां का जमीन भी वार्म हो जाएगा. द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, जैसा कि स्पेशली ऐसा अटलांटिक में होता है कि वार्म और कोल्ड या फिर पूरे दुनिया भर में कहीं भी ऐसा होगा, अगर ठंडा और गर्म दोनों करेंट मिलेगा तो वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है. और सी अराउंड जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि अटलांटिक ओशन का भाग है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, हालांकि वो नेविगेट करने के लिए काफी मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि फॉग के कारण. उसके बाद अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मैप. आप देख सकते हैं कैसे वार्म करेंट को यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, और ये इक्वेटर के पास से पोल के तरफ जा रहा है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम भी है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी है. और कोल्ड करेंट का एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड के पास लैब्राडोर है जो ऊपर से आ रहा है पोल साइड से. तो इन्हीं दो का एग्जाम्पल दिया गया था. तो आगे के क्लासेस में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई होप एक्सरसाइजेस करने में आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.